हम जैसे स्मॉल डिजाइनर्स को ये रिकग्नाइज करता है. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड यस आई विश यू ऑल द बेस्ट. ये अवार्ड इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसके नाम में ही भारत है और भारत जो दुनिया का आइकॉन है, ऐसे अवार्ड के नाम में जब भारत आइकॉन अवार्ड आ जाता है तो देने वाले को भी सम्मान फील होता है और जिसको लेना है, जिसको मिलता है, उसके लिए तो इससे बड़ा ऑस्कर अवार्ड भी नहीं हो सकता. जी हाँ, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे वेब सीरीज़ हैं, लाइव शोज़ हैं और सोशल मीडिया पे तो हुई, टिकटॉक पे भी आ गया हूँ. सुनील पाल की चौपाल यूट्यूब चैनल भी है, तो आप जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ पर प्लीज़ मुझे देखिए, आशीर्वाद दीजिए. थैंक, मिल के रहिए भाई भाई, क्योंकि प्यार के रंग से खेलो रे होली, चढ़ के ना ये रंग उतरेगा, हर रंग कच्चा रे कच्चा, प्रेम रंग सच्चा रे सच्चा. ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली. थैंक यू. हाय, very happy and congratulations to Bharat Icon Awards and happy 5th anniversary. Thank you so much. Yeah, I think so. That's why they've called me and really very happy to be a part of this. You see, every award I think is a motivation for you know, for more hard work and you know, you feel happy for the hard work that you've done, so it's an achievement, I feel. So yeah, I respect all the awards. Okay, one more thing. So how was the experience? Thank you very much. Well, my experience with Khatro was amazing. I think it's a lifetime experience. Ek bar कर लिया मतलब यू नो, बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू डू दीज थिंग्स इन योर लाइफ एवर. सो एंड ऑफकोर्स अपने फेयर से आप फाइट करते हो, अलग अलग तरह के जानवर आपके ऊपर डाले जाते हैं जो कि आप देख के जिसे यूजली आप भाग जाते हो, बट इट्स ऑल अबाउट फाइटिंग योर फेयर्स एंड फेसिंग योर फेयर्स. एंड आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही प्रेजेंट रहा. हर साल होली की तो बहुत सारी प्लानिंग होती है, बट इस साल बिकॉज आप सब जानते हैं कोरोना वायरस इज देयर, सो आई थिंक आई विल बी अवॉइडिंग दिस ईयर टू प्ले होली बिकॉज इट्स बेटर टू बी सेफ. सो हर साल तो ऑफकोर्स बहुत धूम धमाके से होली होती है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. इस बार आई थिंक इट विल बी अ क्वाइट होली घर पे फ्रेंड्स के साथ ऐसे. वेल, आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अ वेरी 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 हैप्पी होली. हाय, आर यू रेडी? सो आई वांट टू विश रॉयल हेरिटेज फाउंडेशन कंग्रेचुलेशंस बिकॉज दिस इज द फोर्थ ईयर. एंड अखिल बंसल सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग माई हार्ड वर्क एंड प्रेजेंटिंग मी विद एन अवार्ड. We actors work very hard for this appreciation and I'm truly feeling very blessed and I'm filled with a lot of gratitude for this award and so many more years to go and you're doing a great job, Akhil Bansal sir. So I wish Royal Heritage Foundation congratulations. Thank you so much for having me here. Thank you. बहुत अच्छा इवेंट है रॉयल हेरिटेज फाउंडेशन का और जो जो उसका पर्पस है, जो कॉज है, दैट इज़ भारत स्वच्छ भारत अभियान एंड गर्ल चाइल्ड. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी लाइक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाट आर कंट्री इज़ लुकिंग एट. स्वच्छ भारत तो सबको चाहिए एंड द गर्ल चाइल्ड इज़ ऑल्सो समथिंग, जैसे कि विमेंस डे आ रहा है, सो लुकिंग एट दैट पॉइंट, वो ओकेजन को देखते हुए गर्ल चाइल्ड ऑब्वियसली अ गर्ल बिकम्स अ वुमन. So it's a great honor to be having a part of me myself having a part of such a prestigious awards. Looking forward for the evening or yeah, that's all. आज की शाम से क्या expectation रखते हैं? Expectation तो ये है कि been the category which has been given to me, that is the best actor 2020 for the television. So that is something which is a proud moment for me. So yeah, I feel blessed and Om Namah Shivaya. जी जी, एंड उसके अलावा यू नो होली भी आ रही है तो ऐसी
होली की स्पेसिफिक प्लानिंग इस बार तो फैमिली के साथ है, यूजुअली हर साल फैमिली के साथ ही होती है इंदौर में. तो जैसे कि अभी मैं नया नया पिता बना हूँ तो फर्स्ट होली है मेरे बेटे की. सो वी हैव फ्यू गैदरिंग्स, वी हैव फ्यू अरेंजमेंट्स एट होम जो जिसके लिए मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ. एंड है बाकी बहुत धमाल धमाल है होली की डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग. 2020 में जो मेरा अभी शो चल रहा है दैट इज़ मेरी गुड़िया, लुकिंग एट दैट प्रोजेक्ट आई एम मोर हैप्पी एंड दिस इज गोना बी एडिशन टू द शो ऑल्सो फॉर द बेस्ट एक्टर 2020. सो इट्स समथिंग विच इज व्हाट आई फील ब्लेस्ड अबाउट. या दैट्स व्हाट. यू नो इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सिंगल एल्बम. हाँ सिंगल एल्बम मैंने भी किया था लास्ट ईयर, मैं गैर हुई वो आप सब लोगों ने देखा. सो दैट इज़ समथिंग. हाँ अभी जो एक दो मेरी बात चालू है व्हाट आई एम ट्राइंग माई सेल्फ इन टू इस पंजाबी कैटेगरी. मैं पंजाबी एल्बम्स में ट्राई कर रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा आई मीन आज की जनरेशन में जो आप देखोगे क्लब्स हो गए, घर की पार्टीज हो गई, हर जगह हो गया, दिस इज़ व्हाट द मेन जॉनर हैज़ गॉन इन. पंजाबी सॉन्ग्स आर डूइंग वेल. Though let's see if the good project comes in, I am definitely on for this. Thank you. नए और ये प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे और इस प्रोग्राम के हमारे जो पीआर हैं सर टाइम पे शुरू हो गया. अच्छा कितने बजे शुरू हुआ? 7:15. अच्छा लोग आगे और कुछ गा के सुना दे. ओ आज दर पे चल के आया है मौका. सर सबको मेरा सादर प्रणाम नमस्कार. सारे मेरे देशवासियों को जितने भी कलाकार हैं मेरे जैसे सबको बताना चाहूँगा कि ये आपका छोटा भाई आलम जिसने वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में ये मौका मौका हिट किया था, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था सिर्फ एक गाना गा के, वो था मौका मौका. और मैं आज शुक्रगुजार हूँ भारत आइकॉन का कि सारे अच्छे आर्टिस्टों को जो वाकई में यहाँ पे जिनको देना चाहिए सम्मान उनको अवार्ड दे रहे हैं. तो मेरी तरफ से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं. तो वही मौका मौका सुना देते हैं एक बार सबको. ओ आज दर पे चल के आया है मौका मौका और रब्बा आ ही गए मौका 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 मौका. जो जो कैमरा रोलिंग है बहुत सारी बधाई हो भारत आइकॉन अवार्ड के इस पांचवें बरस के लिए. और बस अभी अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है. और बस ऑल द बेस्ट फॉर भारत आइकॉन अवार्ड. ओके थैंक यू. भारत आइकॉन अवार्ड है और आप तो हर अवार्ड में होते ही हैं, तो इस अवार्ड के लिए क्या विश कहेंगे? और हैप्पी होली है परफॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको हैप्पी होली और रंग की शुभकामनाएं. और हिमांशु भाई के साथ मेरी दोस्ती 15 साल से, ये भारत आइकॉन अवार्ड के साथ 5 साल से मैं जुड़ा हूँ और ब्राइट आउटडोर पार्टनर है. और उसके सिवा भी मुझे आई थिंक 4 साल भारत आइकॉन अवार्ड मिला है और आज मैं भी मैं अंदर जाता हूँ मिल रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भारत आइकॉन अवार्ड इतना बड़ा नाम है तो वो प्रेस्टीज अवार्ड के लिए मुझे बहुत खुशी है. और मेरे सब दोस्त लोग मुझे चार्ज बोलते हैं कि इतना अच्छा अवार्ड मुझे मिला है. थैंक यू सर. आइकॉन अवार्ड तो आप बताइए क्या फीलिंग होती है अवार्ड के मौके पर हम सभी आप भी प्रेजेंट हैं. वेल आई थिंक लास्ट ईयर मैं आया था, आई एम नॉट श्योर थर्ड वाले में मैं आया था, बट इस बार हम निशा के लिए आए हैं बिकॉज निशा इज गेटिंग एन अवार्ड एंड सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड से आपकी मेहनत को सराहा जाता है. सो आई थिंक निशा हैज द अवार्ड विनिंग डे टुडे, सो शी शुड टॉक मोर. व्हाट शुड आई से, आई मीन फील्स ग्रेट टू गेट एन अवार्ड. इट्स नॉट रियली लाइक यू रियली कांट गिव ग्रेड एनीबॉडी लाइक दैट कि जिन्हें अवार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बट मिलता है तो अच्छा लगता है. डेफिनेटली लगता है कि आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है. एंड यू नो सिंगल का बहुत दौर है, सिंगल प्रोजेक्ट्स सिंगल फीचर्स बहुत ही आ रहे हैं. आप लोग कैसे कोई प्लानिंग कि आने वाले दिनों में सिंगल एल्बम आप लोग ऐसे करेंगे? जो हम एक ऑलरेडी एक चीज़ कर चुके हैं एक्चुअली, जस्ट वेटिंग फॉर द रिलीज ऑफ दैट म्यूजिक वीडियो टू हैपन. सो हमें कुछ नवंबर दिसंबर
सितंबर में शूट किया था. सो देखते हैं. बट वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर द डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड जो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो आने वाले वक्त में आपको बताएंगे इसके बारे में. जो आपने म्यूजिक वीडियो बताया, क्या जॉनर होगा? लाइक ऐसे रोमांटिक या फैमिली जॉनर? इट इज रोमांटिक सैड. Romantic and family. Yeah, romantic and family, you can say. And a sad story also to it. So something like that. And because Holi bhi aa rahi hai, so kya kuch specific planning hone wali is baar Holi ki tarah? Aaj kal to इतना कोई स्पेसिफिक तो नहीं है. हम लोग सब फैमिली, मतलब मैं, निशा, काविश, उसकी नानी, ये सभी साथ में होंगे. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ जो आसपास आज चल रहा है, तो थोड़ा सा कंटेन्ड ही सब लोग रह रहे हैं. बट आई होप एवरीबडी हैज द सेम. वेल, अब काविश आ गया तो जाहिर सी बात है कि हम सब कुछ कोशिश करते हैं कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो. वो कलर्स देखे, वो देखे कि कैसे पानी से खेला जाता है. बट आई थिंक वी विल प्ले होली इन द बाथरूम विद काविश दिस टाइम, बिकॉज आई थिंक दैट्स द सेफेस्ट वे टू डू इट. हाय, मैं हूँ करण. और मैं हूँ निशा. और हम दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली. थैंक यू. तो जो सम्मान दिया गया है उसके बारे में और भारत आइकन के बारे में क्या विश करेंगे सामने के बारे में? सबसे पहले तो मैं अखिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित किया. ये एक अच्छा कार्य है कि जब समाज में कोई कार्य करता है, अगर उसके कार्यों को हम रिकग्नाइज करते हैं तो और लोगों को प्रेरणा मिलती है और आगे कार्य करने को हमें हौसला मिलता है. मेरा तो यही कहना है कि मैं इत्र से महकूँ ये आरजू नहीं, तमन्ना बस यही है कि मेरे किरदार से खुशबू आए, मेरे किरदार से खुशबू आए. See, whatever happens, you know, जब भी किसी को कोई भी you get something to pat your back, it's always a good thing. Wherever it comes from, however it happens, there's some people who have thought you're good enough to be सराहा जाए आपको, तो अच्छा लगता है ना हमेशा. आई थिंक एवरी डे इज वुमेंस डे. वो एक दिन का वुमेंस डे मुझे समझ में आता नहीं है. मुझे लगता है वुमेंस एनी वेज रूल एंड आई जस्ट फील दैट यू शुड नॉट सेलिब्रेट वुमेंस डे जस्ट वंस अ ईयर. आई थिंक इट्स आई समहाउ हैव अ प्रॉब्लम विद वैलेंटाइन डे ऑल्सो. एक ही दिन को प्यार करना है. तो आई थिंक एवरी डे इटसेल्फ इज अ डे दैट यू शुड कैन सेलिब्रेट व्हेन यू वांट टू सेलिब्रेट समवन इंपॉर्टेंट. प्लीज़ यार, होली खेलो पर किसी को आँखों में कलर वाला मत डालना. ऑयल वॉयल इस वक्त मत करना, बड़ा वाट लग जाती है नेक्स्ट डे दूसरों की जब लोग बाहर जाते हैं. एंड इन्जॉय द होली. होली इज़ अ वेरी गुड फेस्टिवल टू हैव फन. गो आउट, हैव फन. क्लास ऑफ 2020 आप लोगों ने बहुत पसंद किया. पीपल आर लविंग इट. थैंक यू सो मच. एंड नाउ दैट एकता हैज़ अनाउंस्ड द नेक्स्ट फोर सीजन्स सो आई थिंक इट इज क्वाइट एक्साइटिंग टू सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द लाइव्स ऑफ डिनोबली आई गेस स्टूडेंट्स नेक्स्ट. क्या करेंगे भारत आइकॉन का, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या विश करेंगे और होली के बारे में? वेल, ऑन द फिफ्थ ईयर ऑफ भारत आइकॉन, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पाँचवा साल इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड टू एस्टेब्लिश दिस पर्टिकुलर प्रेस्टिजियस फंक्शन एंड द अवार्ड फंक्शन, जहाँ हर योग्य इंसान को उसकी योग्यता के हिसाब से ही उनको इज्जत बख्शी जाती है, नवाजा जाता है. सो इट्स ए प्लेजर टू बी ए पार्ट ऑफ द फिफ्थ भारत आइकॉन अवार्ड एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू देम फॉर द एंडेवर नाउ एंड ऑल्सो इन फ्यूचर. ऑफकोर्स इसके साथ साथ पहले भी मैं इस अवार्ड फंक्शन में 2 साल पहले आया था वेन आई वॉज अवॉर्डेड फॉर माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मीडिया एंड टेलीविजन इंडस्ट्री. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन वंस अगेन. जहाँ तक होली का सवाल है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जो रंगों का त्यौहार है, लेकिन आज जो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी कोरोना वायरस का, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. सो एनीवेज, ऑल द बेस्ट. बट होली की बहुत बहुत आज सबको शुभकामनाएँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.